पढ़ी थी, उसमें उसकी सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम आज पढ़ रहे हैं कि वरुण की मम्मी उसको कैसे मार्केट भेजती है और वो कैसे सामान लाता है और कौन कौन सा सामान वो दुकान से लाता है। तो हम अभी पढ़ते हैं वरुण और उसकी मम्मी की कन्वर्सेशन। मदर, वरुण प्लीज गो टू द मार्केट। उसकी मम्मी बोल रही, वरुण तुम बाजार जाओ प्लीज। वरुण बोलता है, ओके मदर, व्हाट शुड आई बाय, पर मुझे क्या खरीदना है वहां जाके। मदर, प्लीज गेट ए लॉफ ऑफ ब्रेड, ए बोटल ऑफ जैम, सम बटर एंड ए पैकेट ऑफ बिस्किट। उसकी मम्मी बताती है कि तुम्हें ना एक ब्रेड का पैकेट लाओ, एक बोतल जैम का लेके आओ और एक बटर का पैकेट और एक बिस्किट का पैकेट, ये सब चीजें तुम्हें लेके आनी है। वरुण, यस मदर, कैन आई बाय सम आइसक्रीम टू। तो बोलता है, हाँ मैं ये सब चीजें लेके आऊंगा, क्या उसके साथ में मैं आइसक्रीम भी ला सकता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं ला सकते, लेके आ जाना। यू में वरुण में आई लीव नाउ। अच्छा मैं जाता हूँ। मदर, टेक दिस मनी, बी केयरफुल, टेक दिस जू बैग अलॉन्ग। तो ये पैसे ले लो और ये सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना इन पैसों का। और वो एक जूट का बैग उसको दे देती है जिससे वो सामान उसमें ला सके। तो अब इसमें टिक द ऑल द बॉक्सेस, इसमें एक बॉक्स बना के रखा हुआ है कि उसकी मम्मी ने उसको क्या क्या चीजें मंगाई है जो इसके ऊपर लिखी हुई है। तो अब सबसे पहले उसने मंगाई थी सम फ्रूट्स, ए बोटल ऑफ जैम, सम सॉल्ट, ए पैकेट ऑफ बिस्किट, आइसक्रीम, ए पैकेट ऑफ चॉकलेट, ए लॉफ ऑफ ब्रेड। मतलब उसने जो जो चीजें उसने मंगाई है ना, उस पर आपको टिक लगाना है राइट का, और जो नहीं मंगाई है उस पर रॉन्ग का टिक लगाना है। तो आपने अभी अभी ये चैप्टर पढ़ा है, मैंने आपको समझाया है उसमें क्या क्या मंगाया था, लॉक ऑफ ब्रेड, बोटल ऑफ जैम, सम बटर ऑफ पैकेट, बिस्किट का पैकेट, बटर, ब्रेड, जैम, ये सब चीजें उसने मंगाई थी। और आइसक्रीम उसने किसने ऐड कर दी थी, वरुण ने, कि आइसक्रीम भी मुझे लानी है। तो वो सब चीजें लिस्ट बनी हुई है इसमें, उस पर आप सही राइट टिक करना कि कौन कौन सी चीजें वो लेने गया था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं शॉप। वो शॉप में गया तो उसने क्या क्या चीजें देखी। अब जैसे नीचे ये शॉप बताई हुई है, बुक्स के अंदर देखिए आप, ये बुक शॉप है और नीचे ये सामान लिखा हुआ है। तो वो सामान क्या क्या है आपको इसमें निशान लगाना है, जैसे टिक लगाना है कि मतलब वरुण क्या क्या चीजें वहां से खरीदता है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें नाम लिखे हुए हैं, पेंसिल, ट्री, फ्रूट, ब्रेड, शूज, पेपर, रोड, जैम, वॉटर, क्लाउड। अब इसमें से कौन सी चीजें हैं जो दुकान पर मिलती है, उन पर आपको सर्किल बनाना है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो दुकान से मतलब ही नहीं रखती है, जैसे पूल। पूल पूल से क्या मतलब है, दुकान के अंदर पूल होगा, नहीं होगा ना। और ऐसे ही यहाँ पे रेन, रेन का है, बारिश का होती है, खुली जगह में बारिश होती है। अब ये पूरा बंद मॉल है, शॉप है, तो वहाँ बारिश नहीं होगी ना। तो जो जो चीजें हैं वो इसमें टिक करके आपको सर्किल बनाना है। तो इसमें जो आइटम आपको इस शॉप में दिख रहे हैं वो सब इसमें आपको लिखने हैं। तो आपका होमवर्क भी यही है कि इसमें आपको सर्कल बनाने हैं जो जो चीज इसमें आइटम दे रखी है शॉप के अंदर। तो यही आपका होमवर्क है। पहले तो इसमें सर्कल बनाना है और इधर आगे वाले में आपको इसकी लिस्ट के अंदर टिक लगाना है। तो इसकी मैं टिक भेज दूंगी, ये होमवर्क आप कर लेना और समझ लेना। ये मैंने समझा दिया आपको, बस इतना ही समझना है कि वो क्या क्या चीजें खरीद के लाया था और इस शॉप के अंदर उसकी क्या क्या चीजें हैं। अब मैं